हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पर बात करेंगे। सिंगल टोन का मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी। जब किसी सिग्नल में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होती है या फिर कोई हमारा मैसेज सिग्नल है उसमें केवल एक फ्रीक्वेंसी है तो उस मैसेज सिग्नल को हम कहेंगे सिंगल टोन सिग्नल। और जब ऐसे सिग्नल का हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो उस मॉड्यूलेशन को कहते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। इफ़ मैसेज सिग्नल कंटेन सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विद इन इट देन द कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेशन इज नोन एज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। देयर इज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। एक्चुअली सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हमें पता है कि मैसेज सिग्नल हमारा कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि केवल उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑडियो सिग्नल की बात करते हैं तो ऑडियो सिग्नल की रेंज हमें पता है 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज तक होती है। यानी हम कोई भी ऑडियो सेंड कर रहे हैं या फिर जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, 300 हर्ट्ज से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज के बीच में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होंगी। मान लिया मैंने कोई शब्द बोला, फॉर एग्जाम्पल वर्ड बोल रहा हूँ तो इसमें W की अलग फ्रीक्वेंसी है, O की अलग फ्रीक्वेंसी है, R की अलग फ्रीक्वेंसी है और D की अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जनरली हमारा कोई भी मैसेज सिग्नल है उसमें केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए हमारा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बस ये एनालाइज करने में आसान होता है इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। अब हम सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। मान लेते हैं कि CT हमारा कैरियर सिग्नल है एंड MTB आवर मैसेज सिग्नल, क्योंकि हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैसेज सिग्नल कैसा लेंगे हम, सिंगल टोन। इस मैसेज सिग्नल में देख सकते हैं कि केवल एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम, इसका हमें मॉड्यूलेशन करना है ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी पर। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, ST इज इक्वल टू AC प्लस MT कॉस ओमेगा CT। लास्ट लेक्चर में हमने इस पर बात की थी। इस इक्वेशन से हम MT की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगी ST इक्वल्स टू AC प्लस AM कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा CT। AC हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी AC 1 प्लस AM बाई AC कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा CT। ST इक्वल्स टू AC 1 प्लस μ कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा CT, वेयर μ इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। And this modulation index is given by AM by AC। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज मॉडुलेशन। चलिए अब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। टाइम डोमेन में मैसेज सिग्नल की इक्वेशन थी हमारी MT इक्वल्स टू AM cos ओमेगा MT। हमें पता है cos का ग्राफ इस तरह होता है। फिर कैरियर सिग्नल की टाइम डोमेन में इक्वेशन थी CT इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT। ये भी हमारा cos का ग्राफ बनेगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं हम ये ध्यान देंगे, हमें पता है कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है मैसेज वेव से, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हमें दिखना चाहिए कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मैसेज वेव से ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CT की फ्रीक्वेंसी MT से ज़्यादा है। जब हम इस मैसेज सिग्नल का ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन करेंगे तो उसके बाद हमें ग्राफ मिलेगा इस तरह। इसमें हम देख सकते हैं कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड लीनियरली वेरी हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल आ रहा है हमारा उसी के साथ साथ हमारा CT के एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशन हो रहा है। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं। जब हम कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो हमें FC और -FC फ्रीक्वेंसी पर
एसी बाई टू एम्पलीट्यूड के दो अलग अलग इम्पल्स कंपोनेंट मिलते हैं। इस पर हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि किस तरह से कैरियर सिग्नल का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है। जिसने वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वहाँ से जाकर देख सकता है। तो जैसे हमने कैरियर सिग्नल का यहाँ पर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है, सेम उसी तरह से जब हम मैसेज सिग्नल का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो FM और माइनस FM फ्रिक्वेंसी पर AM बाई टू एम्पलीट्यूड के दो अलग अलग इम्पल्स कंपोनेंट मिलेंगे हमें। जब हम इस मैसेज सिग्नल का FC फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेशन करेंगे, मॉड्यूलेशन के बाद जो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से होगा। ये कैसे ड्रॉ किया हमने? लास्ट लेक्चर में हमने जो मैसेज सिग्नल लिया था वो इस तरह से था। जब हम इसका मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमें मॉड्यूलेटेड जो वेव मिलती है उसमें FC और माइनस FC फ्रिक्वेंसी पर यही मैसेज सिग्नल हमारा अपीयर होता है। ये मैसेज सिग्नल है, इसका हमने मॉड्यूलेशन किया, वही सिग्नल FC फ्रिक्वेंसी पर और वही सिग्नल माइनस FC फ्रिक्वेंसी पर अपीयर हुआ। सेम इसी तरह जब हम इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन करेंगे तो यही मैसेज सिग्नल हमारा FC फ्रिक्वेंसी पर और यही मैसेज सिग्नल हमारा माइनस FC पर अपीयर होगा हमें। तो हम देख सकते हैं कि यही मैसेज सिग्नल हमारा FC पर और यही मैसेज सिग्नल हमारा माइनस FC पर अपीयर हुआ। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।